खार्किव को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, यूनिवर्सिटी जहां पर बड़ी संख्या में खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, यूक्रेन में कहीं अगर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है तो वो खार्किव में है, और खार्किव में अब यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, सब तरफ हमला ही हमला हो रहा है। राहत की बात यह है कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं वो भी अब खाली हो चुके हैं, और ये यूनिवर्सिटी की इमारत आप देख सकते हैं जिसे निशाना बनाया गया, और पूरी तरह से ये नस्तनाबूत हो गया है। ये शिक्षा का मंदिर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, और तबाही और त्रासदी की ये तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। और ये सिर्फ कहीं एक की एक जगह की स्थिति यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, हर जगह पर इसी तरह की स्थिति सलोनी बनी हुई है। जहाँ जिस भी शहर की जब ये खबर आती है कि वहां पर हमला हुआ है तो ये एक जैसी बर्बादी की, तबाही की तस्वीरें सलोनी। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया है, इस पर एयर स्ट्राइक की गई, और देखिए खार्किव में हम सुना भी रहे थे कुछ देर पहले कि किस तरह से एयर सायरन बजते नजर आ रहे थे, एयर सायरन बज रहे थे, यानी कि एयर स्ट्राइक यहाँ और तेजी से हो सकती है, इसका अंदेशा पहले ही जाहिर किया गया था। और ये तबाही का जो मंजर, देखिए धुएं का गुब्बार यहाँ तस्वीरों में, और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और खार्किव में लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, हवाई हमला हुआ है, उसके बाद भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपके सामने हम देखेंगे। खार्किव बेहद अहम शहर है, और रणनीतिक रूप से इस पर कब्जा जो है वो रशिया को बहुत बड़ी ताकत दे देगा, और यही कोशिश है, खार्किव को लगातार तबाह बर्बाद किया जा रहा है। खार्किव के हवाई हमलों की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है बरखा, ये वो तस्वीरें जो बता रही है एक एक चीजें कि कैसे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, और क्या कैसे रशिया सब कुछ तहस नहस कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, फाइनेंशियल राजधानी के तौर पर देखिए खार्किव है, दूसरा सबसे बड़ा शहर जो आबादी के तौर पर देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जा चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं, अगर लोगों ने ये सोचा होगा कि थोड़ी वक्त के बाद बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूसी हमले लगातार और तेज होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पर एक और बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से ब्लैक सी में भी हलचल तेज हो चुकी है रूस की। कल हमने देखा था कि ब्लैक सी के आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था, आज आपको बता दें कि ब्लैक सी में भी हलचल तेज कर दी गई, यानी कि आप ये समझिए कि जल थल नभ हर तरह से किस तरह से यूक्रेन को घेर रहा है रशिया। ब्लैक सी में इस वक्त उसने अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है, ये आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्लैक सी की, जहां पर रूस किस तरह से और ज्यादा आक्रामक होता नजर आ रहा है। और बिल्कुल श्वेता, काला सागर जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और काला सागर में अपने युद्धपोत तैनात करने को लेकर जो टकराव है वो लंबे अरसे से चला जा रहा है, और पहले भी युद्ध आज शुरू हुआ है लेकिन काला सागर में पहले से ही मौजूदगी है, क्योंकि ये वार्म वाटर का एक सोर्स है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है रूस को भी, क्योंकि एक बहुत ही ठंडा देश है वो। बिल्कुल, और लगातार बड़ी खबरें हम बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेंगे। देखिए लगातार यूक्रेन में एयर सायरन बज रहे हैं, एयर सायरन जब बजते हैं तो कितना डर और दहशत का माहौल होता है, आप ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको और सुनवाएंगे किस तरह से एयर सायरन जब बजते हैं तो लोग बंकर्स में छुपने की कोशिश करते हैं, शरण लेने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को लेकर बदहवास स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल, और वही बदहवासी जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। ये कीव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार एयर सायरन वहां पर बजते हुए, लोग अगर अपने घरों में जो भी कुछ बचा खुचा वहां पर है अगर वहां मौजूद भी होते हैं तो फिर अपने आप को बचाने के लिए बंकर्स की ओर भाग रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।